हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं एकता गुप्ता राजकीय बालिका इंटर कॉलेज पथकीड़ा कला पीलीभीत से आज मैं आप लोगों को क्लास 10 साइंस का एक चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स या फिर तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये एलिमेंट्स या फिर तत्व होते क्या है। यह आपने क्लास 9 में भी पढ़ा है। जो तत्व होते हैं वो एक ही तरह के परमाणुओं से बने हुए होते हैं, एक ही तरह के परमाणुओं से बने हुए तत्व होते हैं। अभी तक वैज्ञानिकों ने 118 एलिमेंट्स की खोज की है। 118 एलिमेंट्स की डिस्कवरी अभी तक वैज्ञानिक कर चुके हैं, जिनमें से जो 94 एलिमेंट्स हैं वो आपके नेचर में मौजूद होते हैं। 118 डिस्कवर हो चुके हैं जिनमें से 94 एलिमेंट्स जो है आपके वो नेचर में मौजूद होते हैं। अब जब वैज्ञानिकों ने इन तत्वों की खोज की, उन्होंने इनके गुणधर्मों की धीरे धीरे करके स्टडी करना शुरू करी, तो उन्हें क्या प्रॉब्लम आई कि इतने सारे तत्व और उनके गुणधर्म, इन सबको व्यवस्थित कर पाना, इन सबको याद रख पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि क्यों ना इन एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन कर दिया जाए, इन्हें वर्गीकृत करके इनके ग्रुप्स बना दिया जाए किसी भी तरह से, जिससे कि अगर हम एक ग्रुप के बारे में स्टडी कर लें तो उस ग्रुप में आने वाले सभी तत्वों की हमें जानकारी मिले। इस प्रयास में सबसे पहले सामने आए साइंटिस्ट जॉबी राइनर। जॉबी राइनर ने क्या दिया, इन्होंने अपना त्रिक नियम दिया। जॉबी राइनर्स ट्रायड्स, जॉबी राइनर ने अपना त्रिक नियम दिया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने तत्वों के तीन तीन के ग्रुप्स बनाए। जैसे कि पहला ग्रुप जो इन्होंने बनाया वो था लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का, जिसमें इन्होंने तत्वों को लिथियम सोडियम पोटेशियम इस तरह से ही क्यों रखा, क्योंकि इन्होंने तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में रखा। जैसे कि लिथियम का है परमाणु द्रव्यमान 6.9, सोडियम का है 23, पोटेशियम का है 39.0। साथ ही इन्होंने क्या कहा जॉबी राइनर ने कि इन तीन तत्वों में अगर हम पहले और तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान का अगर औसत लेते हैं, मीन लेते हैं, तो वो दूसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान के लगभग बराबर आता है। और ये चीज देखी भी गई, जब पहले तत्व 6.9 और तीसरा तत्व 39, इसका हम औसत ले ले तो ये लगभग अप्रोक्सीमेटली आपका 23 के बराबर आता है, जो कि सेकेंड एलिमेंट का परमाणु द्रव्यमान है। तो इन्होंने इस तरह से तीन त्रिक बनाए, लिथियम सोडियम पोटेशियम का। दूसरा त्रिक जो उन्होंने बनाया वो है कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम का। और तीसरा त्रिक जो इन्होंने बनाया वो है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का। जॉबी राइनर ने ये तीन त्रिक बनाए और इन तीन त्रिकों में इन्होंने ये कहा कि ये जो तीन ग्रुप्स बन गए हैं, इन तीन ग्रुप्सों में इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम होगी, इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम होगी और इन तीन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सेम होगी। लेकिन जॉबी राइनर इन तीन से ज्यादा ग्रुप्स नहीं बना पाए, इसके आगे वो असफल रहे। फिर जॉबी राइनर के बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आए जिन्होंने इसी फील्ड में अपना प्रयास किया, वो थे न्यूलैंड्स। न्यूलैंड्स ने अपना अष्टक सिद्धांत दिया, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड ने क्या दिया, न्यूलैंड ने अपना अष्टक सिद्धांत दिया, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड्स ने भी जो तत्व थे उन्हें बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में ही लगाया। उन्होंने किस तरह से लगाया तत्वों को, जैसे कि हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उसके नीचे फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकन, फॉस्फरस, सल्फर, क्लोरीन,
पोटेशियम, कैल्शियम एंड सो ऑन। इस तरह से उन्होंने जो एलिमेंट्स है उन्होंने लगाया। किस बेसिस पे? उन्होंने कहा कि इन एलिमेंट्स को उन्होंने बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में लगाया है, और जब आप पहले एलिमेंट से आगे की तरफ बढ़ते हैं तो पहले और आठवें एलिमेंट के गुणधर्म जो है वो समान होंगे। आप देख सकते हैं जैसे कि पहला एलिमेंट हाइड्रोजन है, इसे हम आठवें तत्व की तरफ बढ़ते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। जो फ्लोरीन है वो हाइड्रोजन के नीचे आ रहा है, हाइड्रोजन से चल के फ्लोरीन आठवां तत्व है, और हाइड्रोजन और फ्लोरीन के गुणधर्म काफी हद तक समान होते हैं। ऐसे ही आप कहीं भी ले सकते हैं, जैसे बोरॉन से स्टार्ट करें अगर हम, तो बोरॉन पहला तत्व मान लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आठवां तत्व एल्युमिनियम, पहला तत्व बोरॉन, तो बोरॉन और एल्युमिनियम के गुणधर्म भी समान होते हैं। तो ये था न्यूलैंड का ऑक्टेट नियम कि जब हम तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में लगाते हैं तो पहले और आठवें तत्व के गुणधर्म समान होते हैं। ये नियम दिया न्यूलैंड ने। लेकिन न्यूलैंड के नियम की भी कुछ खामियां थी, इसकी कुछ लिमिटेशंस थी। जो पहली लिमिटेशन थी वो ये है कि न्यूलैंड का अष्टक नियम सिर्फ कैल्शियम तक ही काम करता है। उसके आगे जब हम बढ़ना शुरू करते हैं, जैसे कि क्रोमियम, टाइटेनियम, मैंगनीज, आयरन, ये नियम फॉलो नहीं हो पाता। ये पहली कमी थी कि न्यूलैंड का अष्टक नियम सिर्फ कैल्शियम तक ही फॉलो हो पाता है। दूसरी कमी क्या थी न्यूलैंड के ऑक्टेट नियम की? आयरन के बाद उन्होंने क्लोरीन के नीचे कोबाल्ट और निकिल दोनों को साथ में रख दिया। आयरन के बाद क्लोरीन के नीचे उन्होंने कोबाल्ट और निकिल दोनों को साथ में रख दिया, जो कि गलत है। एक पोजीशन सिर्फ एक ही तत्व को दी जा सकती है, एक पोजीशन में दो तत्व शामिल नहीं हो सकते, तो ये इनकी दूसरी खामी थी। तीसरी खामी, कोबाल्ट और निकिल को फ्लोरीन क्लोरीन के साथ में रखा है, यानी कि कोबाल्ट और निकिल की प्रॉपर्टीज फ्लोरीन और क्लोरीन से मिलती हुई हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये तीसरी खामी थी। चौथी खामी या चौथी लिमिटेशन जो न्यूलैंड के ऑक्टेव नियम की थी वो ये थी कि उन्होंने कोबाल्ट और निकिल को आयरन से बिल्कुल दूर रख दिया, जिससे उसकी प्रॉपर्टीज मिलती हैं। आयरन की प्रॉपर्टीज कोबाल्ट और निकिल के समान होती हैं, लेकिन ये दोनों आपस, ये तीनों आपस में बहुत दूर है इनके टेबल के अकॉर्डिंग। तो ये जो थी न्यूलैंड के ऑक्टेव नियम की कमियां थी। आखिरी कमी जो थी, जब तक इन्होंने ये न्यूलैंड का ऑक्टेव नियम दिया था तब तक नोबल गैसेस, जो आपकी नोबल गैसेस होती हैं, उनकी तब तक डिस्कवरी नहीं हो पाई थी। और बाद में जब नोबल गैसेस की डिस्कवरी हुई, उनका पता चला, तो इन नोबल गैसेस को न्यूलैंड की टेबल में कहीं जगह नहीं मिल पाई, वो इस लॉ को नहीं कर पाए। तो ये कुछ खामियां थी न्यूलैंड के ऑक्टेव नियम। फिर उसके बाद जो साइंटिस्ट आए वो है मेंडलीव। मेंडलीव का योगदान पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में बहुत ज्यादा रहा। उन्होंने काफी हद तक एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने में हेल्प की, और काफी हद तक वो एलिमेंट्स को बहुत अच्छे से क्लासिफाई कर पाए। मेंडलीव की अब हम पढ़ेंगे मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव ने भी परमाणु द्रव्यमान को ही अपना आधार बनाया। उन्होंने भी तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के अकॉर्डिंग ही अरेंज किया, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने क्या देखा, उन्होंने परमाणु द्रव्यमान, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं एटॉमिक मास, एटॉमिक मास उन्होंने कंसिडर किया। साथ ही साथ उन्होंने तत्वों के हाइड्राइड्स और तत्वों के ऑक्साइड्स, इनके सूत्र भी स्टडी किए।
एटॉमिक मास के साथ उन्होंने तत्वों के हाइड्राइड्स और उनके ऑक्साइड्स के सूत्र भी स्टडी किए और उसके बेसिस पे उन्होंने एलिमेंट्स को लगाना शुरू करा। उन्होंने कितने एलिमेंट्स लगाए? 63 एलिमेंट्स को वो अपनी पीरियोडिक टेबल में जगह दे पाए। एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में वो चले और साथ ही साथ हाइड्राइड्स मतलब हाइड्रोजन के साथ तत्व किस तरह के यौगिक बनाते हैं, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन के साथ तत्व किस तरह के यौगिक बनाते हैं। तो जिन यौगिकों के सूत्र समान आ रहे थे उन तत्वों को उन्होंने एक साथ एक ग्रुप में रखने की कोशिश करी। उन्होंने क्या करा, मेंडलीफ ने जो अपनी पीरियोडिक टेबल थी उसमें ग्रुप्स बना दिए थे। ग्रुप्स जो थी वो वर्टिकल रोज जो थी उन्हें उन्होंने ग्रुप्स कहा था और उन्होंने पीरियड्स बनाए थे जो कि आपके हॉरिजॉन्टल कॉलम्स थे। जो वर्टिकल रोज थी वो उन्होंने ग्रुप्स कहा था उन्हें और जो हॉरिजॉन्टल थे वो उन्होंने उनको पीरियड्स का नाम दिया था। अब मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल जो उन्होंने बनाई थी ये 63 एलिमेंट्स को लगाने में सफल हुए थे। इसकी बहुत सारी अचीवमेंट्स थी मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल की, जिसमें कि सबसे पहली अचीवमेंट ये है कि इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल में काफी रिक्त स्थान भी छोड़े थे और उन रिक्त स्थानों को उन्होंने एज अ खामी नहीं माना था, एज अ डिमेरिट नहीं माना था। उन्होंने क्या कहा था कि ये जो रिक्त स्थान है इन रिक्त स्थानों में वो तत्व आएंगे जो फ्यूचर में खोजे जाएंगे, जिनकी डिस्कवरी अभी नहीं हुई है लेकिन फ्यूचर में होनी है। उन्होंने उन तत्वों के लिए अपनी पीरियोडिक टेबल में जगह छोड़ी थी, जैसे कि एल्युमिनियम था। एल्युमिनियम के जस्ट नीचे, एल्युमिनियम वाले ग्रुप में जस्ट नीचे उन्होंने एक खाली जगह छोड़ दी थी और हर खाली जगह को उन्होंने एक नाम दिया था। उस नाम वो किस तरह से दिया था, EKA। जो उस खाली जगह से ऊपर वाला तत्व है उसके नाम से पहले EKA लगा के, तो इस खाली जगह को उन्होंने क्या नाम दिया, EKA एल्युमिनियम। और ये खाली जगह जैसे कि उन्होंने कहा था कि भविष्य में इस जगह पे कोई तत्व जरूर आएगा जो खोजा जाएगा और उसके गुणधर्म एल्युमिनियम के समान होंगे, और वैसा ही हुआ। भविष्य में तत्व खोजा गया गैलियम, जिसको मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में जो उन्होंने खाली जगह छोड़ी थी एल्युमिनियम के नीचे वाले एल्युमिनियम वाले ग्रुप में नीचे, उसमें उसे वो स्थान मिला और देखा गया कि जो ई के एल्युमिनियम उन्होंने जिसे नाम दिया था उसे गैलियम नाम दिया गया और उसके गुणधर्म एल्युमिनियम के समान थे। तो ये मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। दूसरी अचीवमेंट जो थी मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल की वो ये थी कि नोबल गैसेस जो कि अभी मैंने बताया था न्यूलैंड्स के ऑक्टेव सिद्धांत जो उन्होंने दिया था उसमें नोबल गैसेस को कहीं कोई जगह नहीं मिल पाई, वो उस सिद्धांत को कहीं से कहीं तक फॉलो नहीं कर रही थी। लेकिन बाद में जाके जब नोबल गैसेस की खोज हुई तो मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में नोबल गैसेस को अपनी पोजीशन मिली और सार्थक पोजीशन मिल पाई। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल की लिमिटेशंस क्या क्या है। अब मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल ने अचीव तो बहुत कुछ किया लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस भी रह गए, जिसमें कि पहली लिमिटेशन है इन्होंने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में लगाया था लेकिन कहीं कहीं ये गुणधर्म को मिलाने में तत्वों के परमाणु द्रव्यमान को आगे पीछे कर गए, जैसे कि कोबाल्ट और निकल। मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में पहले कोबाल्ट आता है और उसके बाद में निकल आता है, जबकि कोबाल्ट का एटॉमिक मास कितना है 58.93 और निकल का एटॉमिक मास कितना है 58.71 जो कि कोबाल्ट से कम है, फिर भी निकल बाद में आ रहा है और कोबाल्ट मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में पहले स्थान पाता है।
तो ये इनकी पीरियोडिक टेबल की पहली कमी थी। दूसरी कमी जो थी इनकी पीरियोडिक टेबल की वो थी आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स वो होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं लेकिन एटॉमिक मास अलग अलग होते हैं। जैसे कि आइसोटोप्स की पोजीशन, जैसे कि हाइड्रोजन अगर आप ले लो, हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप्स होते हैं 1, 2, 3। एक हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक मास 1 है, दूसरा हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक मास 2 है, और तीसरा हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है जिसका एटॉमिक मास 3 होता है। अब मेंडलीव ने तो बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान या फिर एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग तत्वों को लगाया था, तो क्या तीनों हाइड्रोजन के आइसोटोप जो है उन्हें उनकी पीरियोडिक टेबल में अलग अलग स्थान मिलना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। अलग अलग एटॉमिक मास होने से एक ही तत्व को अलग अलग स्थान नहीं दिया जा सकता पीरियोडिक टेबल में। तो मेंडलीव ये बात बताने में सफल नहीं रहे कि आइसोटोप्स को किस तरह से प्लेस किया जाएगा जिनके एटॉमिक मासेस अलग अलग होते हैं। तो ये मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी उसकी तीसरी कमी थी। दूसरी कमी थी, जो तीसरी कमी थी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की, वो थी पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट, हाइड्रोजन को इन्होंने क्या किया, जो एल्कली मेटल्स हैं उनके साथ में रखा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम के साथ, और उसके गुणधर्म भी लिथियम सोडियम पोटेशियम से मिलते हैं, क्योंकि जिस तरह के सूत्र या जिस तरह के यौगिक हाइड्रोजन बनाता है उसी तरह के यौगिक जो है एल्कली मेटल्स भी बनाते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ H2O बनाता है, उसी तरह सोडियम जो एल्कली मेटल है वो भी ऑक्सीजन के साथ Na2O बनाता है। जिस तरह से हाइड्रोजन सल्फर के साथ H2S बनाता है, उसी तरह से सोडियम भी सल्फर के साथ Na2S बनाता है। जिस तरह से हाइड्रोजन हैलोजन के साथ HCl बनाता है, उसी तरह से सोडियम एल्कली मेटल भी हैलोजन के साथ NaCl यौगिक बनाता है। तो इस तरह से हाइड्रोजन के गुणधर्म एल्कली मेटल्स के समान थे, तो उन्होंने उसको उसके ऊपर एल्कली मेटल्स के साथ ग्रुप में रख दिया। लेकिन अगर हम देखें तो हाइड्रोजन के गुण जो होते हैं वो हैलोजन से भी काफी हद तक मिलते हैं। कैसे? जैसे कि हैलोजन टाई एटॉमिक होते हैं, जैसे कि Cl2, वैसे ही हाइड्रोजन भी जो है वो डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो इस तरह से हाइड्रोजन के गुण जो है वो हैलोजन से भी मिलते हैं। लेकिन मेंडलीव उसकी पोजीशन नहीं बता पाए सही से कि हाइड्रोजन को एल्कली मेटल्स के साथ ही रखना सही है या फिर उसे हैलोजन्स के साथ प्लेस करना चाहिए। तो ये मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की कुछ खामियां थी, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की कुछ लिमिटेशंस थी। मेंडलीव के बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आए वो थे हेनरी मोजले। हेनरी मोजले ने फाइनल पीरियोडिक टेबल दी जिसे हम कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हम हमेशा स्टडी करते हैं, जो हम फॉलो करते हैं, ये किसने दी? ये दी साइंटिस्ट हेनरी मोजले ने। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सारी लिमिटेशंस पर, सारी कमियों पे विराम लगा दिया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन परमाणु द्रव्यमान के अकॉर्डिंग ना करके कैसे किया, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग इन्होंने तत्वों का वर्गीकरण किया। इन्होंने तत्वों को
परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में लगाने की बजाय कैसे लगाया? इन्होंने तत्वों को लगाया परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए क्रम में, जिससे सारी दुविधाएं जो पहले हो रही थी, सारी दिक्कतें, सारी प्रॉब्लम्स जो पहले की पीरियोडिक टेबल्स में आ रही थी, वो सब खत्म हो गई। किस तरह से इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई? इनकी पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले वन एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन, फिर टू एटॉमिक नंबर हीलियम, फिर थ्री एटॉमिक नंबर लिथियम, फोर एटॉमिक नंबर बेरिलियम, फाइव एटॉमिक नंबर बोरॉन, सिक्स कार्बन, सेवन नाइट्रोजन, एट ऑक्सीजन, नाइन क्लोरीन, टेन नियॉन। इस तरह से इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल अरेंज की बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के क्रम में। और क्या देखा कि जब बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के क्रम में लगाया तो जो एलिमेंट्स थे, सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स सेम ग्रुप में आ रहे थे। आगे बढ़ते हैं, 10 नियॉन, 11 एटॉमिक नंबर सोडियम, 12 मैग्नीशियम, 13 एल्युमिनियम लगाया इन्होंने, एल्युमिनियम, 14 सिलिकन, 15 फॉस्फरस, 16 सल्फर, 17 क्लोरीन, 18 आर्गन। इस तरह से इन्होंने पूरी पीरियोडिक टेबल बनाई और जो सेम गुणधर्म वाले एलिमेंट थे वो एक ही ग्रुप में आ रहे थे। अगर आप एक ग्रुप की स्टडी कर लें तो उस ग्रुप में आने वाले सभी एलिमेंट्स के बारे में आप जान। अब जो मोज़ले थे उन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल को 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड्स में डिवाइड किया। ग्रुप्स कितने बनाए? उन्होंने ग्रुप्स बनाए 18 और पीरियड्स कितने बनाए? पीरियड्स उन्होंने बनाए 7। उन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल को 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड्स में डिवाइड किया और वही एक ग्रुप में आने वाले तत्व समान थे, के गुणधर्म समान थे। अब कैसे पता चलेगा कि किस पीरियड में कितने तत्व आएंगे? तो उसके लिए उन्होंने देखा कि कौन से कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। जैसे कि पहला कक्ष कौन सा होता है? के। उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए जो इनका फर्स्ट पीरियड है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 1 और 2। दूसरा जो कक्ष है उसमें कितने आते हैं? 8। इसलिए इनका जो दूसरा पीरियड है उसमें कितने एलिमेंट्स आए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इस तरह से दूसरे पीरियड में 8 एलिमेंट्स। ऐसे अगर हम आगे बढ़े तो तीसरे पीरियड में भी आपके 8 एलिमेंट्स होते हैं, चौथे पीरियड में आपके 18 एलिमेंट्स होते हैं, पांचवे में भी 18 एलिमेंट्स होते हैं, सिक्स पीरियड में 32 एलिमेंट्स होते हैं और जो आपका सेवेंथ पीरियड होता है उसमें भी 32 एलिमेंट्स होते हैं। ये अरेंजमेंट आप हायर क्लासेस में जाके पढ़ेंगे। इसके बाद अब हम देखेंगे कि किस तरह से ये जो पीरियोडिक टेबल इन्होंने अरेंज की है उससे हमें तत्वों की स्टडी करने में हेल्प मिलती है। तो अगर हम ग्रुप वाइज देखें, किसी एक ग्रुप की अगर हम बात करें तो उस ग्रुप में अगर आप देखें तो हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। लिथियम, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3। सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। तो अगर हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो हाइड्रोजन का 1 रहेगा, लिथियम का 2,1 हो जाएगा और सोडियम का 2,8,1 हो जाएगा। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि एक ही ग्रुप के जो तत्व हैं
उनमें आखिरी कोश में आने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान रह रही है। ऐसा सभी ग्रुप्स में फॉलो होता है। जब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो आखिरी कोश में आने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान रहती है। अब आखिरी कोश में आने वाले इलेक्ट्रॉन तत्व की वैलेंसी भी बताते हैं हमें, उसकी संयोजकता भी बताते हैं। तो इस प्रकार हम ये भी कह सकते हैं कि ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर जाने पे वैलेंसी समान रहती है। क्योंकि इनकी वैलेंसी समान है तो इसलिए ये सारे तत्व एक जैसे प्रकार के यौगिक बनाएंगे, जिनके सूत्र सेम होंगे। सूत्र सेम होंगे तो उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी, इसलिए हमें इन्हें एक ग्रुप में रखने में सफल रहे। तो पहला पॉइंट हमने देखा इनकी वैलेंसी का, जो ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाने में बढ़ रही है। दूसरा अगर हम देखें तो पीरियड में अगर हम देखें लेफ्ट टू राइट जाने में क्या हो रहा है, तो लिथियम को अगर हम देख लें इसका एटॉमिक नंबर कितना है, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4। बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना है, बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखें तो लिथियम का है 2.1, बेरिलियम का है 2.2, बोरॉन का है 2.3। यहां हम क्या देख पा रहे हैं कि कक्षों की संख्या सेम है और जो आखिरी कक्ष में आने वाले इलेक्ट्रॉन है वो एक एक करके बढ़ रहे हैं। 1, 2, 3, 4 ऐसे ही आखिरी कक्ष में आने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती चली जाती है, लेकिन कक्षों की संख्या सेम रहती है पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट जाने पर। तो इस पीरियोडिक टेबल के बेसिस पे हम तत्वों की प्रॉपर्टीज स्टडी कर सकते हैं। हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे जाने पे एटॉमिक साइज में क्या अंतर आएगा, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाने में एटॉमिक साइज में क्या अंतर आएगा। तो आइए अब हम देखते हैं एटॉमिक साइज। वैलेंसी के बारे में हमने जाना, अब हम जानते हैं एटॉमिक साइज के बारे में। वैलेंसी के बारे में हमने जाना ग्रुप में वैलेंसी ऊपर से नीचे की तरफ आने में वैलेंसी सेम रहती है, और पीरियड्स में हमने देखा वैलेंसी जो है वो बढ़ती जाती है। अब अगर हम एटॉमिक साइज देखें तो ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आने में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, अभी जैसे मैंने पढ़ा बताया आपको, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, कॉन्फिगरेशन 1, लिथियम एटॉमिक नंबर 3, कॉन्फिगरेशन 2.1, और सोडियम एटॉमिक नंबर 11, कॉन्फिगरेशन 2.8.1। तो आप देख रहे हो कि यहाँ कक्षों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, कक्षों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है, जिसके कारण ऊपर से नीचे आने में ग्रुप में जो एटम है उसका आकार बढ़ता चला जाता है। यहाँ एक ही कक्ष है, यहाँ दो कक्ष है, और यहाँ कितने कक्ष हो गए, यहाँ हो गए आपके 3 कक्ष। अंदर क्या बैठा है, अंदर आपके क्या होंगे, प्रोटॉन्स होंगे न्यूक्लियस के अंदर। यहाँ आपका एक ही प्रोटॉन होगा, यहाँ आपके 3 प्रोटॉन होंगे, यहाँ आपके 11 प्रोटॉन होंगे, और चारों तरफ उतने ही इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि कक्षों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, इसलिए प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स पे इतना जोर नहीं डाल पाएंगे, उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, और एटम जो है उसका साइज लगातार ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आने में बढ़ता चला जाता है। यही अगर हम पीरियड में देखें लेफ्ट टू राइट जाने पे तो क्या होगा, पीरियड में अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, जैसे कि लिथियम एटॉमिक नंबर 3, 2.1, बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, 2.2,
बोरॉन एटॉमिक नंबर 5, 2, 3। तो हम क्या देख रहे हैं कि कक्षों की संख्या समान है, कक्षों की संख्या समान है, जबकि न्यूक्लियस के अंदर रहने वाले प्रोटॉन की संख्या बढ़ती चली जा रही है। यहाँ कितने हो गए, जितना एटॉमिक नंबर है 3, यहाँ कितने हो गए 4, यहाँ कितने हो गए 5। तीन प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि कक्षों की संख्या सेम है तो इलेक्ट्रॉन्स पास में है, वो जल्दी खींचे चले आएंगे। इस कारण लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज होता चला जाता है, क्योंकि कक्षों की संख्या सेम रहती है और प्रोटॉनों की संख्या निरंतर बढ़ती चली जा रही है। इसलिए पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक साइज घटता है और ग्रुप्स में ऊपर से नीचे की तरफ जाने में एटॉमिक साइज निरंतर बढ़ता रहता है। नेक्स्ट हम देखेंगे मेटेलिक कैरेक्टर। तो पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखें तो मोज़ले की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो लेफ्ट हैंड साइड है वहां सारे मेटल्स हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, मेटल्स हैं। जो राइट हैंड साइड है वहां क्या है, नॉन मेटल्स को जगह दी गई है। बीच में आपके मेटलॉइड्स हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे मेटल्स हैं, राइट हैंड साइड पे नॉन मेटल्स हैं और बीच में आपके मेटलॉइड्स को जगह दी गई है आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो इस चैप्टर में आपने पढ़ा एलिमेंट्स के बारे में, इनके क्लासिफिकेशन के बारे में, काफी कुछ आप इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में अपनी हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। इनका एटॉमिक साइज किस तरह से बढ़ता है, किस तरह से घटता है, वैलेंसी किस तरह से बढ़ती है। वैलेंसी अगर हम देखें तो बढ़ेगी, फिर आगे जाके वो घटेगी भी। तो ये चीज आप अपने 9th क्लास में भी पढ़ चुके हो, तो ये सारी चीजें आप अपने हायर क्लासेस में आपको ज्यादा क्लियर होंगी। क्लास 10th की स्टडीज के लिए आपके लिए इतना सफिशियंट है, वो आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।